नमस्कार, सत श्री अकाल, जय जोहार। आप देख रहे हैं जीएन भारत, जन जन तक। दोनों ही घटना क्रूरतम की जो सीमाएं होती है उस सीमा को भी तोड़ दिया है। अब जिस क्रूरता से एमसीसी के द्वारा वहां हत्या की गई और सिमडेगा में मॉब के द्वारा, तो हमें लगता है ये दोनों ही घटना बिल्कुल अमानवीय है। और सरकार की ये जो कमजोरी है वो बिल्कुल साफ दर्शाता है। और जिस प्रकार से मैंने अखबार में पढ़ा आज, खास करके सिमडेगा का, तो पुलिस तक को भी वहाँ नहीं घुसने दिया। और पता नहीं किसी गिरफ्तारी हुई है कि नहीं, केस हुआ है कि नहीं। तो हमें लगता है कि प्रशासन को बिना विलंब किए जिन लोगों ने भी इस प्रकार के क्रूरतम जो हत्याएं की है, कानून था, कानून को अपने हाथ में लेने का किसी को कोई इस प्रकार के अधिकार नहीं है, और उनकी गिरफ्तारी करनी चाहिए उन लोगों की। जो कि अखबारों में जो आया है बातें, तो मैंने देखा कि भाई परिवार के सामने ही मार करके फिर जला देना, ये क्रूरतम की जो सीमाएं होती है उससे भी बिल्कुल परे दिखता है। मैंने ऐसे भी आदमी क्रूर हो सकता है तो ये सोचा भी नहीं जा सकता है। तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को तो सजा मिलनी चाहिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।